हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। प्रश्न वाली 501 चल रही थी। इसके पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल करवाया था और कुछ फॉर्मूलों के बारे में समझाया था। आज थोड़ा सा फॉर्मूले आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 से शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो की। पहले प्रश्न संख्या 6 को कर ही लेते हैं क्योंकि वो सिंपल तरीके के है, जिसमें लिखा है साइन 75° बराबर। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं तो उसमें हमको सिद्ध करना है कि साइन 75° बराबर हमको सिद्ध करना है √6 + √2/4। √6 + √2/4 एक सिंपल प्रश्न है और इसे हल करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान तरीके से लगने वाला है। बाएं पक्ष के साथ शुरुआत करेंगे और आराम से आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाएं पक्ष और साइन 75। पुराने वाले प्रश्नों की तरह इसे भी हम 45 + 30 करेंगे और यहाँ पे साइन a + b वाला सूत्र लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे होने वाला है साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30। चीज़ों का मान यहाँ पे रखेंगे और कोई तरीका नहीं बचता है इसमें करने के लिए। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणे का निशान। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, इतना आपको मिलेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है √3 यहाँ पे 2/√2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1/√2 देखने को मिलेगा। इन्हें जोड़ते हैं, नीचे वाला बराबर है तो उसे एक बार ही लिखा जाएगा और उसे ऊपर √3 + 1 लिख दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि हमें हर का परिमेयीकरण करना होगा, क्योंकि बिना हर के परिमेयीकरण के चीज़ें बेहतर नहीं दिखेंगी और हर का परिमेयीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो √2 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसी को हमें हटाना है हर में। तो √3 + 1 जो है इसको ऐसे कोष्ठक में बंद कर देते हैं, यहाँ पे 2 √2 जैसा ही रहने देते हैं। √2 से अंश व हर में गुणा कर देंगे, जिससे इस √2 का गुणा होकर के 4 हो जाएगा, मतलब √4 हो जाएगा। देखेंगे √2 से 3 में गुणा कराएंगे तो 2 3 6 √6 हो जाएगा। √2 का 1 में गुणा कराएंगे तो √2 हो जाएगा। ये वाला 2 ऐसा लिख दिया जाएगा, √2 × √2 = 2 हो जाएगा। तो √6 + √2/2 = 4, ये बराबर दाया पक्ष। ये इतना आसान सवाल है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आसान, इस तरीके से ये लग जाएगा। तो अगला वाला जो सवाल होने वाला है वो माइनस पे होने वाला है। तो पहले तो हमें माइनस वाला फार्मूला लिख लेना है। हालांकि पहले भी एक माइनस वाला क्वेश्चन मिल चुका है, लेकिन सातवें सवाल से माइनस वाला कुछ प्रॉपर तरीके से मिलने वाले हैं ढेर सारे प्रश्न। तो एक बार इसको पहले हम मिटा देते हैं और सभी माइनस वाले सूत्र एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि प्रश्नों में हम इसका प्रयोग कर सकें। तो हमारे पास साइन a - b का फॉर्मूला मिलता है, cos b - cos a sin b। तो इतना ये होता है अपना साइन a - b का फॉर्मूला। और कॉस a - b को अगर देखा जाए तो ये कितना, ये क्या फार्मूला होने वाला है वो देखेंगे। तो इसके लिए होता है cos a
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो परफेक्ट ये होता है। अगर माइनस होता है तो प्लस मिलता है, प्लस वाला होता है तो माइनस मिलता है। टैन की बात कर लेते हैं, टैन ए माइनस बी की अगर बात करें तो इसके बराबर होता है टैन ए माइनस टैन बी बटे वन प्लस टैन ए और टैन बी प्राप्त होता है। और कॉट के फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं, ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस वन होता है नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये होता है पूरा फॉर्मूला माइनस वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा और टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत आसान है। साइन ए माइनस बी है तो वही जैसे साइन का पूरा फार्मूला था वही सेम लिखा है, वहाँ पे प्लस था तो प्लस था, माइनस है तो माइनस है। कॉस वाला वही सेम पूरा फार्मूला लिखा है, लेकिन जब प्लस वाला देखा था तो माइनस लिखा था, माइनस वाला देख रहे हैं तो प्लस लिखा है। टैन वाला भी लगभग वही पूरा फार्मूला है, तो टैन ए प्लस बी था तो यहाँ पे टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन और माइनस टैन ए टैन बी था प्लस वाले में। अभी माइनस वाला पढ़ रहे हैं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और कॉट वाला भी सेम वैसे ही बना है कि प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, अभी वही विपरीत हो गया है पूरा। तो इतना सब कुछ आपने देख लिया फार्मूलों में, फार्मूले तो याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूले आपको याद नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस जैसे हम पन्ने में लिख करके आपको दिखाए थे अभी भी देख ही पा रहे थे आप, तो वैसे ही आपको लिख करके रख लेना है और सवालों को हल करते वक्त उनका प्रयोग करना है। आप जितनी ज़्यादा बार उनका प्रयोग करेंगे उतना अच्छे से आपको याद होते रहेंगे। और एक सलाह ये भी दी थी कि एक पेपर में आप सारे क्वेश्चंस को लिख करके एक दिन प्रयोग करें और अपने दोस्त को दे दें, और दूसरे दिन फिर से एक नए पेज पर सभी फार्मूलों को लिखें और प्रयोग करें, फिर अगले किसी और दोस्त को दे दें। ऐसे में दोस्ती भी बेहतरीन तरीके से जारी रहेगी और आपको फार्मूले भी याद होते रहेंगे। ये एक शानदार तरीका है, एक शानदार विचार है जो आप अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं गणित को बेहतर बनाने के लिए। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले जो कक्षा 10 में थे वो लिस्ट बना करके अपने दोस्त को दे सकते हैं, और ऐसे गिफ्ट और एक से लेकर के 50 तक के संख्याओं का वर्ग आप एक एक का वर्ग, एक दो का वर्ग, चार तीन का वर्ग, नौ, ऐसे पूरा 50 तक का लिख डालें और उसे अपने दोस्त को गिफ्ट कर दें। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते रहते हैं तो आपकी गणित बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ती रहती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहाड़ा गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़े पर आपकी बेइज्जती हो सकती है, पर कुछ रेयर चीज़ें होती हैं जो आप गिफ्ट करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और आपको भी याद होगा। जैसे कुछ सिंबल होते हैं, जैसे थीटा होता है, फाई होता है, उनके नाम क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा, इन सबको कलेक्ट कीजिए और उन्हें गिफ्ट कीजिए, तो ऐसे में आपकी फ्रेंडशिप बहुत बेहतरीन होती रहेगी। तो आगे चलिए प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बुक 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें मान ज्ञात करना है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। देखिए एक बेहतरीन सवाल है ये, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं ताकि एक बेहतरीन लुक मिल सके कि वो एक फॉर्मूले हैं। अब सातवें सवाल में देखेंगे भैया कि ये जो दिखाई दे रहा है इसका मान ज्ञात करना है, ये थोड़ी सी अलग सवाल है, ठीक है। ये आम अवधारणाओं पर जैसे आप सवालें लगाते हैं वैसे ये नहीं चलती है, ये एक विशेष तरीके से शुरू की जाती है और ख़त्म भी शानदार तरीके से होती है, लेकिन शुरुआत इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपको यहाँ से शुरू नहीं करना होता है, आपको स्पेशल तरीके से शुरू करना होता है कि tan 3a, यहाँ से हम नहीं शुरू कर रहे हैं, हम स्पेशल ले रहे हैं tan 3a समथिंग होता है, ठीक, बिल्कुल उसको देखिएगा मैं नहीं कि हम इससे कुछ ले रहे हैं ना,
ये बिल्कुल नई शुरुआत है, बस ऐसे समझ लीजिए कि वो है ही नहीं। यहाँ टैन थ्री ए बराबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है टैन टू ए प्लस ए, और सॉरी मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा बट प्लस वाला लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। टैन थ्री ए बराबर होता है टैन टू ए प्लस ए, यही थ्री ए को टू ए प्लस ए कर लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थ्री ए बन जाएगा, बस इतना सा हम यहाँ पे समझ रहे हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आप ये नहीं सोचेंगे कि इससे ये आया है। हाँ, हालांकि इसको देख करके ही हमने ये अप्लाई किया है, पर उससे देख कर ये नहीं लिखा है, ठीक है, कि आप सोचेंगे कि ये अचानक से ऐसे कैसे बदल के, नहीं बदला नहीं है, वो अलग चीज़ है, हमने यहाँ से नई शुरुआत की है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं, हमें इसे लिखते हुए चलना है, टेन थ्री ए लिख करके रखना है, यहाँ पे फार्मूला प्लस वाला लग जाएगा, क्या मिल जाएगा, टेन टू ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन टू ए टेन ए। सो ये तो होता है अपना फार्मूला विस्तार। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को इधर ला करके गुणा कराएंगे, इस नीचे वाले पार्ट को इधर ला करके गुणा कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टेन थ्री ए और उसमें गुणा हो रहा है वन माइनस टेन टू ए और टेन ए से, सॉरी टेन ए से गुणा हो रहा है, और इधर की ओर ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो बच जा रहे हैं, वो क्या बच रहे हैं, टेन टू ए प्लस टेन ए बच रहा है, ओके टेन ए बच रहा है। क्या करेंगे आगे, इस टेन थ्री ए से अंदर में दोनों में गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो हमको देखने को मिलेगा टेन थ्री ए और माइनस, फिर इसमें जब गुणा कराएंगे तो हमको देखने को मिलेगा टेन थ्री ए टेन टू ए, और इसमें ये वाला जो टेन ए बचा है वो भी तो मिलेगा, बराबर ये लिख लेंगे टेन टू ए प्लस टेन ए। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि टेन थ्री ए यहीं रहेगा, ये टू ए इधर आएगा, ये टेन ए इधर आएगा, ठीक है, दोनों इधर आएंगे, ये वाला पूरा पार्ट उधर जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको मिल रहा है टेन थ्री ए यहाँ पे है, ये वाला प्लस में ही धरा के माइनस होगा, और टेन टू ए देखने को मिलेगा, ये वाला भी इधर आके माइनस होगा, टेन ए देखने को मिलेगा और इसके बराबर ये वाला उधर गया, माइनस में था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपको टेन थ्री ए टेन टू ए और टेन ए देखने को मिलता है। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये वही पार्ट है जो जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा था, यानी इसके बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा था, तो इसके बराबर ये होगा और ये ज्ञात हो चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर में दिखाई दे रहा होगा कि यही आपको मिला है, इसके बराबर ये होता है। तो एक विशेष प्रकार की सवाल होती है जिसकी शुरुआत जो सवाल में दिया गया है उससे न होकर के एक विशेष जगह से शुरू होती है और बाद में रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये, और आगे के सवालों पर चलते हैं। अब जब हम आठवें प्रश्न में पहुंच चुके हैं तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगर हम आठवें प्रश्न में बात करें, पहले आठवें के पहले के आठवें प्रश्न का पहला अगर हम देखें तो उसमें लिखा मिलता है कि साइन 11 पाई बाय 12 इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, आपको पाई के टर्म्स में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस पाई के टर्म वाले रेडियन वाले को अंश में बदल करके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 पाई बटे जो 12 लिखा है, अगर हम पाई की जगह पे 180 रखते हैं और बटे 12 करते हैं तो 12 एक कम 12 और बचेगा कितना, 6 होता है, तो 12 × 5 = 60 होता है, और 15 और 11 का गुणा करने पर 15 × 15 = 5 होता है 165 दिखाई देता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं साइन 165 अंश। 165 अंश लिखने के बाद ये बदल जाएगा 120 + 45 में बदल जाएगा, या फिर 180 माइनस कर सकते हैं,
180 माइनस 15 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा लफड़े वाले बात हो जाएगी, तो 120 प्लस 45 में बदल सकते हैं इसको, साइन 120 प्लस 45 इस टर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। अब 120 अंश का मान नहीं पता है तो आपके पास टेबल तो है ही, तो वहाँ से देख करके हम यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं, कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि टेबल तो हमको पहले ही दी गई है। तो त्रिकोणमिति वाली जो टेबल है वो भी पूरा एक लिस्ट में बनाएं और अपने दोस्त को गिफ्ट करें, मज़ा आएगा उसमें। और चले आगे बात को बढ़ाते हैं, तो अपना पास साइन है 120 अंश दिखाई देगा और कॉस 45 यहाँ पर रखेंगे, प्लस कॉस 120 अंश रखेंगे और साइन 45 रखेंगे, कितना हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे पाई के टर्म में ही रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है क्या, लेकिन वैल्यू वही मिलने वाली, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात ये समझनी है कि हम 120 अंश को जैसे कि पाई में अगर बदलते हैं, पाई के पदों में रख करके काम करते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं, तो कर तो सकते हैं, पर ऐसे भी किया जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जिस फॉर्म में समझ में आए उस फॉर्म में रखें। तो अभी चलते हैं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यह शायद अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन करके समझा देना चाहूँगा कि हमारे पास 165 मिल गया है, 165 को 120 प्लस 45 लिखा तो जो 45 होता है वो होता है पाई बाय 4, और जो 120 होता है, 120 होता है इसको पाई के पदों में अगर बदलेंगे तो हमें करना होगा कि इससे पाई बटे 180 से गुणा, 1 0 कट जाएगा, 6 2 12 6 3 18 तो 2π/3 देखने को मिलेगा, यानी 2π/3 प्लस इतना। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे ये लिखने के बजाय, ये दोनों लिखने के बजाय डायरेक्ट ये लिखना होता साइन 2π/3 प्लस π/4, तब इन दोनों का योगफल तो यही आता है, लेकिन इस रूप में रखते हैं तो साइन इतना प्लस कॉस इतना, साइन इतना कॉस इतना, मतलब जो ये पूरा विस्तार बना है इस रूप में होता, ये क्या है 120 है, ये क्या है 45 है। तो ऐसे भी इसको डायरेक्ट इस रूप में भी तोड़ा जा सकता था, किया जा सकता था, लेकिन अगर पाई समझ में आए तो, जहाँ तक मेरी बात है कि मुझे इतना ज़्यादा क्लियर है समझ याद नहीं रहता कि कितना हम कर सकते हैं, 120 और 45 वाला थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो इस वजह से इस रूप में किया है। तो इन सबको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब जो भी तरीका चल रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब टेबल से देखने की बारी आ जाती है, क्योंकि 120 अंश का मान हम निकाल भी तो सकते हैं पर याद नहीं है, तो हम टेबल में देख भी सकते हैं। तो टेबल कहाँ मिल गई, मिल गई है। तो भाई साइन में 120 अंश का मान अंडर रूट तीन बटा दो होता है, और 45 कॉस 45 का मान तो वही अपना 1/√2 ही रहेगा, प्लस कॉस 45 कॉस 120 अंश का मान जो होता है वो माइनस एक बटे दो होता है, और जो साइन 45 का मान है वो 1/√2 ही रहेगा, इतना ही रहेगा। यहाँ पे अगर अपना गुणा कराएंगे तो ये √3/2 दिखाई देगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, इन दोनों का गुणा 2/√2 कर देते हैं, ऊपर एक कदम एक कर देते हैं, नीचे वाली गिनती बराबर है तो √-1 हो जाएगा, √3-1 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 2√2 देखने को मिल रहा है। अब वही बात आ जाती है कि हमें यहाँ पे नीचे √2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आंसर यही दे दिया गया है तो बस इतना ही आंसर कर दें, और नहीं दिया है तो आगे हर का परिमेयीकरण हमें करना होगा। तो थोड़ा सा उत्तर की जांच कर लेते हैं, मतलब मिलान कर लेते हैं, 8वें का 1 तो इतना ही करेक्ट कर दिया गया है, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करा के इसे हर का परिमेयीकरण भी कर सकते थे चाहते तो, और अगर नहीं करना, मतलब सामान्य रूप से नहीं करना होता तो नहीं करेंगे, इतना ही आंसर आपका सही है। तो ये प्रश्न जबकि समाप्त हो चुका है, तो 8वें में जितने ये प्रश्न होने वाले हैं, 8वें का दूसरा प्रश्न एक बार फिर से समझाते हैं और समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे के जो भी प्रश्न हैं वो आप समझ चुके होंगे और आप खुद कर रहे होंगे अपने आप। तो 8वें में टोटल 3 प्रश्न तो हैं ही, और कॉस में 11π/12 दिया गया है, टेन में 11π/12 दिया गया है, यानी सभी में वही सेम चीज़ दी गई है, कुछ भी अलग
एंगल नहीं दिया गया है। अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं तो हमें दिया गया है कास 11 पाई बाय 12 दिया गया है, तो ये तो अपना वही होता है कॉस जो मिला था 165 अंश ही रहेगा बिना सॉल्व की जैसे पिछले सॉल्व किया था। और यहाँ पे फिर अपना 120 प्लस 45 ही रहेगा, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और यहाँ पे फार्मूला लगा दिया जाएगा प्लस वाला कॉस में, तो कॉस 120 और कॉस 45, और प्लस है तो माइनस मिलेगा, साइन 120 साइन 120 अंश और साइन 45। इससे अलग कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हो चुका जो भी है होता। अब वैल्यू रखी जाए तो कॉस 120 अंश का माइनस कितना मिला था, माइनस एक बटे दो ये मिला था। कॉस 45 का मान कितना मिला था, एक बटे अंडर रूट दो, ये तो रहता ही है। साइन 120 का मान कितना मिला था, ये मिला था अंडर रूट तीन बटे दो, और साइन 45 का मान एक बटे अंडर रूट दो ये होता है। तो अगर इसमें गुणा किया जाए तो माइनस एक बटे दो अंडर रूट दो होता है, ठीक है। इधर देखा जाए तो माइनस ये भी है, अंडर रूट तीन बटे दो अंडर रूट दो आता है। अगर नीचे वाला बराबर कर लिया जाए तो दो अंडर रूट दो देखने को मिल रहा है, ऊपर माइनस एक माइनस अंडर रूट तीन देखने को मिल रहा है। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो वन प्लस अंडर रूट तीन और यहाँ पे दो रूट दो देखने को मिलेगा। तो अगर इसमें हम उत्तर का मिलान करते हैं तो परफेक्टली यही वाला आंसर दिया है, ये वाला तो हमने आगे बढ़ा दिया बात को, तो ये रहेगा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग टैन का काम खुद ही करें, अपने आप से टैन को करें जो आठवें का तीसरा वाला है, और यथासंभव आप कर ही पाएंगे, कुछ टेंशन की बात नहीं है। जब टेंशन की बात नहीं है तो बात को आगे बढ़ा लेते हैं और नवे वाले प्रश्न में चलते हैं। आप बताइएगा कि आपको आएगा कि नहीं, वैसे उम्मीद तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि आप कर पाएंगे आठवें का तीसरा वाला पार्ट, टेन 120 प्लस 45 हो जाएगा। नौ नंबर जो प्रश्न है वो इस माइनस वाले पे आधारित है, और नवे के जो तीसरा है वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात को बढ़ाएंगे, क्या लिखा है, अरे यार बुक थोड़ी सी अच्छी हो गई है। नौ का पहला वाला, इसमें मान ज्ञात करना है, आपको लिखा गया है कॉस 25 अंश और कॉस 20 अंश माइनस साइन 25 अंश साइन 20 अंश। क्या लगता है कि आपका ये किसका फार्मूला है, किस फार्मूले को ये रिप्रेजेंट करना चाहता है? बहुत बढ़िया समझा आपने, ये माइनस दिया है तो प्लस वाला है, किसका प्लस वाला, कॉस ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में है, तो ये जो पूरा है बन जाएगा क्या, ये तो फॉर्मूला है, तो ये वाला बन जाएगा कॉस 25 प्लस 20 क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस रहता है तो प्लस वाला मिलता है। तो कॉस 25 और 20 को जोड़ने पर ये कॉस 45 हो रहा है, और कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। बस आंसर, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, कोई समस्या नहीं होने वाली होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें तो एक लाइन फार्मूला लिखने में ही चला गया, एक दो तीन चार, मुश्किल से चार लाइनों का ये प्रश्न था, एक लाइन तो फार्मूला में गया है। और अगर आप देखा जाए जो अगला प्रश्न है नवे का दूसरा वाला, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि जितना दम ये दिखा रहे हैं उतने दम के ये हैं। तो देखते हैं दूसरा वाला क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि साइन 65 अंश है कॉस 20
कॉस 20 अंश और माइनस कॉस 65 अंश और साइन 20 अंश। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किसका कौन सा फार्मूला किसका फार्मूला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाला फार्मूला है, माइनस वाला, ए माइनस बी वाला। वहाँ पे देखें ये कॉस ए साइन ए कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस है तो माइनस वाला। अगर हम इसको समझें सही से तो ये साइन 65 माइनस 20 को रिप्रेजेंट करना चाहता है, और अगर हम देखें घटा करके तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो वही अपना पुराना सा एक गुटेंडोरू दो देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न में तो है कुछ नहीं, मतलब भौकाल है बस। हाँ, जो तीसरा प्रश्न है वो थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ है जानने लायक। तो साइन एक्स लिखा है और कॉस एक्स माइनस वाई लिखा है, कॉस एक्स माइनस वाई लिखा है, माइनस कॉस एक्स लिखा है और साइन एक्स माइनस वाई लिखा है, ठीक है। तो क्या लगता है, क्या आपको ये लगता है कि ये वाला कॉस साइन और कॉस, कॉस और साइन, ये यही वाला फार्मूला है? जाहिर सी बात है वही फार्मूला है। और इसमें भी आपको आगे में से एक्स में से ये पीछे वाला, मतलब जो एक्स माइनस वाई है घटाने की बात की जा रही है, तो ये साइन ऐसे ही रहेगा। एक बड़ा कोष्टक लेते हैं, एक्स लेते हैं, माइनस लेते हैं और इसे एक्स माइनस वाई लिखते हैं, और ध्यान रहेंगे कोष्टक में रखेंगे, ठीक है, कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि अभी हमको माइनस से अंदर गुणा कराना है ताकि चीज़ों को बदला जा सके। तो यहाँ पे साइन रखेंगे, यहाँ पे एक्स है माइनस से, इसमें गुणा कराएं माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई, ये प्लस माइनस एक्स कट जाएगा और हमको केवल और केवल साइन वाई देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है यहाँ पे, और हो गया तो 10वें प्रश्न पे हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं हुई होगी इस प्रश्न में, ख़ास तौर से जहाँ पे समस्या वाली बात दिखाई दे रही थी, तो हमने यथासंभव उसे आसान करने की कोशिश की। बिल्कुल हूबहू ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है। तो जहाँ पे 65 और 20 लिखा है तो 65 में 20 घटा दिया, वैसे ही आगे x लिखा है x माइनस वाई पीछे लिखा है तो x में से x माइनस वाई घटा दिया। क्रम सही रखेंगे तो उत्तर सही मिलेगा, क्रम बदल देंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर गलत मिलेगा। और अब प्रश्न संख्या हम 10 पे पहुंच रहे हैं, और 10 एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न देखने को मिल रहा है, हालांकि हम आपको इसको यथासंभव आसान बनाने का प्रयास पूरा करेंगे, जितना हो सके उतना आसान। और इसमें आसान बनाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सवाल मुश्किल है भी नहीं, बस चीज़ें जो लिखी गई हैं वो मुश्किल दिखाई दे रही हैं। 10वां प्रश्न है, इसमें सिद्ध करने की बात है। लिखा है कॉस 10 अंश और इसे 26 मिनट कहा जाता है। अगर आप किताब में देख पाते हो पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पे कॉस 19 अंश और 34 मिनट लिखा है, माइनस लिखा है साइन 10 अंश 26 मिनट और साइन 19 अंश 34 मिनट लिखा है, और इसके बराबर हमें प्रूव करना है रूट 3/2 को। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पहले तो देखिए आपको देख करके इसको डरना नहीं है। एक बात बता देते हैं कि जो कोण होता है, ओके, जो कोण होता है वो अंश में नापा जाता है, ठीक है, एक अंश, दो अंश, 90 अंश, ये होता है। एक अंश के अगर छोटे भागों में, एक अंश से भी छोटा कोण अगर देखना हो तो एक अंश बराबर 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और सॉरी एक डैश रहेगा बस, और एक मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो ये कोण की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो सिंगल डैश के साथ दिया गया है सबके सब मिनट है, अगर इनको जोड़ने पर ये 60 हो जाते हैं तो ये एक अंश के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, बायां
पक्ष, बाएं पक्ष आ जाएगा इतने दूर में, मुश्किल लग रहा है। तो एक बार लिख लेते हैं, ये 10 अंश है, 26 मिनट, कॉस 19 अंश, 34 मिनट, माइनस साइन 10 अंश, 26 मिनट, साइन 19 अंश, 34 मिनट। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉस कॉस दो ठी आगे दिया है, साइन साइन दो पीछे दिया है, इसका मतलब होता है सीधा ये कॉस वाले हैं। और अगर यहाँ पे माइनस दिया गया है तो इसका मतलब ये प्लस वाला है, और अगर प्लस दिया है तो माइनस वाला है। तो ये माइनस दिया गया था, ये प्लस वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ठीक है। आगे वाला लिखेंगे 10 अंश 26 मिनट, और माइनस है तो प्लस मिलेगा भैया, प्लस मिलेगा 19 अंश 34, सॉरी यहाँ पे अंश रहेगा, यहाँ पे मिनट रहेगा, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इनका योगफल कर लेते हैं, हटाते हैं इसको। ये 10 अंश हैं, 26 मिनट हैं, 19 अंश हैं, 34 मिनट हैं, जोड़ते हैं। 6 4 10 का 0 हाँ सिला के 1, 3 2 5 1 6, 60 मिनट हो रहा है। 9 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेन अंश लिखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, पर जोड़ा तो सही है यहाँ पे। सो यहाँ पे 29 अंश 60 मिनट मिल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि ये 29 अंश 60 मिनट कितना है, 30 अंश के बराबर होता है, क्योंकि एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। तो एक बार को हम ऐसा लिख लेते हैं, वैसे ये लिखना ज़बरदस्ती ही होगी, अन्यथा इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, पर लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 29 अंश मिला है और 60 मिनट मिला है। और अब क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट एक मिनट के अंश के बदल जाएगा, और हमको ये देखने को मिलेगा कि ये 30 अंश है, और हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 60 मिनट बराबर एक ही, 60 मिनट बराबर एक अंश होता है, वही एक अंश 60 मिनट था जो कि इसमें जुड़ करके 30 अंश इसको बना दिया है। और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो रूट 3/2 होती है, तो यहाँ पे रूट 3/2 मिल जाएगा, जो कि दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो LHS और RHS बराबर हो गए हैं, इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल चुका है और ये सिद्ध हो गया है। तो ये मुश्किल प्रश्न है, लेकिन आसान भी है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं, समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली इस प्रश्न को करने में। और मुझसे ये बड़ी दिक्कत होती है, मैं हमेशा नीचे से ही मिटाता हूँ, मैं क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ तब पर भी नीचे से ही मिटा देता हूँ, और बच्चे कहते हैं कि सर ऊपर से मिटाया कीजिए, क्योंकि नीचे वाला हम उतार रहे होते हैं, और अगर आप ऊपर से मिटाएंगे तो हम नीचे वाला जल्दी से उतार भी पाएंगे। पर आपके साथ ये समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आप पीछे वीडियो करके इस चीज़ को अच्छे से नोट भी कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या 11th वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे? और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई समस्या जैसी नहीं है, पर मुझे तो समस्या लग रही है। खैर 11th नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, और 11th नंबर क्वेश्चन करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, और आगे के वीडियोस में आगे के प्रश्नों को हम लाएंगे। आपको कैसा लग रहा है यह वीडियो, या कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना, कमेंट करके ज़रूर बताते रहा कीजिए। और हमारी सलाह जो आपको गणित को लेकर के थोड़ा सा बेहतर बना सकती है वो कैसी लगती है वो भी बताते रहा कीजिए, इससे हमारा हौसला बनता है, बढ़ता है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है। चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे और 11th नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाला है, इसमें लिखा है कॉस 2π/3 बढ़िया है, कॉस 5/4 माइनस साइन 2π/3 और साइन 5/4, इसके बराबर प्रूव करना है माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1/2√2। और ये कैसे होगा, बड़ी समस्या इस बात की आन पड़ी है कि अगर ये माइनस वाला दिया गया है तो अर्थात ये प्लस वाले से संबंधित है, और ये सीधा सीधा आपको ये बात को दिखा रहा है कि आगे कॉस है पीछे दोनों साइन है, तो ये कॉस
ए प्लस बी का मामला हो रहा है, यानी 2π/3 प्लस π/4 वाला मामला हो रहा है, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको ये मिल जाएगा 11π/12। यहाँ पे दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 12, और 4 × 8 यहाँ पे हो जाएगा, 3 × 9 = 3 यहाँ पे हो जाएगा, और 8 × 3 = 11, 11π/12 हो जाएगा, जो कि 165 अंश को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक, 165 अंश के बराबर होने वाला है। लेकिन इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको करने के बाद फिर से हमें तोड़ना ही पड़ेगा आखिरकार। तो क्यों ना हम इसको ऐसे ही टूटे हुए दिल के साथ रख देते हैं और बिना इसे जोड़े हुए ही आंसर ला देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि हमें बाएं पक्ष लिखना है, और बाएं पक्ष में जो लिखा गया है वो लिख लेना है, cos π/4 लिख लेना है, माइनस sin 2π/3 लिखना है, और sin π/4 लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2π/3 की वैल्यू कितनी है, वो 120 अंश होगी, पर देखते हैं कि 2 × 180 रखेंगे और 3 करेंगे, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 6 × 12 = 120 अंश मिलेगा, और π/4 का मतलब 45 होता है, उसको हल करने की ज़रूरत नहीं, वो 45 होता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है cos 120 अंश और cos 45 अंश और माइनस sin 120 अंश और sin 45 अंश। और मुझे जहाँ तक याद है कि आपको भी याद होगा कि इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कास वाले में जो वैल्यू थी वो कितना मिली थी, -1/2 मिली थी, और इसका मान 1/√2 होता है, माइनस यहाँ पे sin 120 अंश का मान 1/√3/2 होता है, और इसका मान 1/√2 होता है। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन ही, यहाँ पे -1 2/√2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे -√3 2/√2 देखने को मिलेगा। अगर 2/√2 ऐसे लिख लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1+√3 देखने को मिलेगा। कुछ ज़्यादा हो गया क्या, जल्दी थोड़ा सा, यहाँ पे -1 -√3 रहेगा, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1+√3 देखने को मिलेगा, जो कि 2/√2 के रूप ऐसे बटे में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिल नहीं रहा, अरे यार इसको उलट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1/√3 को आगे एक को पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दाएं पक्ष के बराबर है। क्या फ्रेम में आ रहा है, ठीक है आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको उलट के लिख लेना। अच्छा लिख देते हैं यार, ऐसा कौन करता है भाई, क्या ये आप नहीं लिख पाते, उलट के ही तो लिखना था, और कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है कि आपको दिक्कत होने पाए, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो भाई 11th नंबर क्वेश्चन कैसे होना था ये आपने देख लिया, समझ लिए बातों को, और मुश्किल जितने भी सवाल थे सब ख़त्म हो गए। अब आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए, बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपसे कह ही चुका हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पाएँ।